हेलो दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर SBI ऑटोमेटो ऑपर्चुनिटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के बारे में। ठीक है, आखिर इसमें क्या क्या है, इसके फंड मैनेजर कौन है, इसी के साथ में इसमें कितने की NAV है, NAV क्या होती है, सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं किसी भी में, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर जो फंड है वो है SBI ऑटोमेटो ऑपर्चुनिटी फंड रेगुलर प्लान। ठीक है, ये ग्रोथ है। ठीक है, इसी के साथ में आप यहाँ पर NAV देख सकते हैं, 10.20 यहाँ पर इसकी NAV है। NAV क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट एसेस वैल्यू। अब ये NAV एक्चुअली में होती क्या है, नेट इसकी एसेस वैल्यू, ये तो एक सी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, NAV आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड एक स्कीम है और इस स्कीम में कुछ पैसे को ऐड किया गया है और उसकी एक यूनिट बना दी गई है, जैसे कि 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, एक ईयर में इन्होंने कितना दिया है, 3 ईयर में कितना दिया है, 5 ईयर में कितना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डाटा दिखाया ही नहीं है, कहने का मतलब ये एकदम न्यू म्यूचुअल फंड है। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो पैसे हैं 6,144.63 करोड़ रुपए का इसमें ऐड किया गया है। इसी के साथ में आप इसमें कम में कम पैसे 5,000 रुपए कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में ही। ठीक है, निवेश, और इसी के साथ में इसका जो पैरामीटर आप देख सकते हैं वेरी हाई है। ठीक है, और आपको बता दूं इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं प्रदीप कश्यप। ठीक है, इसी के साथ में चलिए मैं बैक कर देता हूं और इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको इसकी वेबसाइट पर ले चलता हूं। ठीक है, यानी कि 7 जून को ये लॉन्च किया गया है 2024 में, यानी कि इसी साल में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, NAV किस तरीके से काम करती है, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में हम पैसे को निवेश कर देते हैं, अब इस समय हम करीब यहाँ पर 110 रुपये में यहाँ पर 10 NAV खरीद सकते हैं। ठीक है, अब NAV यहाँ पर जैसे कि इसमें फंड ऐड होता जाएगा और इसी के साथ में NAV महंगी होती जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ में जो भी प्रॉफिट होगा वो इसमें होगा पैसा, तो वो यहाँ पर पैसा बढ़ता जाएगा और वो NAV हाई होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी डाटा दिखा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब एकदम ये न्यू म्यूचुअल फंड है तो ये अभी यहाँ पर डाटा नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं जैसे कि वन टाइम। ठीक है, कैलकुलेटर पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, अगर हम इसमें 10 रुपये 10,000 ऐड करते हैं और इसी के साथ में अब ये बता रहा है, यानी कि इसने तो भाई 6 महीने से तो इसने पहला ही म्यूचुअल फंड यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, और यहाँ पर 8 में यानी कि अब तक का यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 8 तक, यानी कि 2 मंथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर इसने कितना प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट तो इसने नहीं किया है। ठीक है, पर इसने अभी लॉस में गया है। ठीक है, तो ये चीज़ उनके लिए भी जानकारी जानना ज़रूरी है कि आखिर जो म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ये डाउन है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें प्रॉफिट हो सकता है आने वाले समय में जाकर, ठीक है, तब आप इसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि NAV इस समय बिल्कुल गिरी हुई है, बिल्कुल सस्ती है, और जैसे ही ये ग्रोथ यानी कि एकदम म्यूचुअल फंड उछाल मारेगा तो इसकी जो NAV है वो हाई हो जाएंगी। ठीक है, तो हो सकता है आपके पैसे यहाँ पर डबल हो जाएं। ठीक है, और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पैसे आपको मिल जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ से इन सारी चीज़ों को जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप एक ईयर के लिए इसमें परचेज करते हैं, यानी कि एक ईयर के लिए अगर आप इसमें पैसे को निवेश करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम में आ जाता है, तो वहाँ पर आपको 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, और इसी के साथ में 1,00,000 रुपये की साल में आपको छूट भी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में आपको 1 साल से अगर पहले पैसे को निकालते हैं तो वो शॉर्ट टाइम में आ जाता है, आपको यहाँ पर 15% टैक्स लगेगा। ठीक है, 1 लाख पर। ठीक है, और आपको 1 लाख पर जो छूट हो रही थी वो भी कुछ नहीं होगी। तो ये कुछ जानकारी थी, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।